बेतुल किंग रेप पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कहा लॉकडाउन में रेप की घटनाएं हो रही है, सरकार और प्रशासन फेल है, पुरानी सरकार के आते ही बड़ी महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं। जी मध्य प्रदेश में पूरे देश में लॉकडाउन है, जो नागरिक या कोई भी बाहर निकलता है तो उसमें थाने में बिठा लेते हैं, स्कूटर पर जाए तो उसको रोक लेते हैं और तरह तरह से पुलिस उनको परेशान करती रहती है। लेकिन इस लॉकडाउन के समय भी पहले भोपाल में एक रेप हुआ एक भीमनगर की बच्ची के साथ, उसके बाद एक ब्लाइंड महिला के साथ शाहपुरा में रेप हुआ, उसके बाद दमोह में एक दुष्कर्म हुआ एक 5 साल की बच्ची के साथ, और अब गैंग रेप हुआ बैतूल में एक महिला के साथ। एक के बाद एक तरह से रेप की घटना हो रही है। एक तरफ कोरोना से 130 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और 2500 से ज़्यादा संक्रमण में आ गए, तो ये समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन में जब हर चीज़ लॉक है फिर किस तरह से इस तरह के दुष्कर्म और इस तरह के कांड हो रहे हैं। तो पुलिस लोगों को निकलने में रोक रही है, अपना छोटा मोटा काम करने में उनको प्रताड़ित कर रही है, तो फिर लॉकडाउन में रेप कैसे हो रहे हैं? क्या ये पुरानी सरकार फिर आ गई है जिसके ज़माने में महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ रेप हुए थे, जो व्यापम में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, अब 130 से ज़्यादा अभी कोरोना में मारे गए। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शासन का और प्रशासन का फेलियर है। रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।